मैं अर्ज ये कर रहा था कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे। सकीम मक्की साहब कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है। गम व आलाम के इस मसाइब में हम कितनी देर मुस्कुराते हैं, आइए थोड़ा मुस्कुरा लें। हमारे मंच पर बहुत मशहूर शायर, बैनुल अक्वामी सतह पर जाने वाले शायर मेरे भाई सज्जाद झंझट साहब हैं। ये नाम के ही झंझट नहीं है बल्कि काम के भी झंझट हैं। सज्जाद झंझट साहब, जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें इनका। अस्सलाम वालेकुम कासिम इमाम साहब, बहुत बेहतरीन निजामत क्यों ना हो, क्योंकि आज का एक खूबसूरत मुशायरा मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर साहब को। दरअसल अभी बात हो रही थी मोबाइल के जरिए से बीवी से गुफ्तगू की, और मोबाइल एक ऐसा जरिया हो गया है कि अक्सर पता चल जाता है कि इस वक्त मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। एक लेडी थी, वो अपने हस्बैंड पर बहुत शक करती थी, अक्सर फ़ोन पर उन्हें चेक करती रहती थी, फ़ोन की घंटी बजती थी, पूछती थी कहाँ हो, उन्होंने कहा साइकिल पे, तो घंटी बजा के दिखाओ। घंटी बजा के सबूत देना पड़ता था, 15-20 मिनट बाद फिर फोन आता था एक घंटे बाद के कहाँ हो, कि कार में, कि हॉर्न बजा कर दिखाओ। अब हॉर्न बजा के सबूत देते थे, गरज ये कि जहाँ भी उनको था सबूत देना पड़ता था। लेकिन एक बार उनके हस्बैंड ने सोचा मैं भी तो चेक करूँ अपनी वाइफ को, उन्होंने फोन किया, बेल बजी, उन्होंने पूछा कहाँ है बेगम, कि बर्ची खाने में, कि मिक्सी चला के दिखाओ। मिक्सी चलाई तो उन्हें सुकून मिला के वाकई। 2 घंटे बाद फिर फोन किया, पूछा कहाँ है, कि वहीं, कहाँ बर्ची खाने में, कि जी के मिक्सी चला कर दिखाओ, फिर मिक्सी चला कर दिखाई। 3 घंटे बाद फिर फोन किया, वही कहाँ हो, कि वहीं रसोई में, कि मिक्सी घर। गरज ये कि वो शाम को जल्दी घर पहुंच गए, दरवाजा नॉक किया, वाइफ ने दरवाजा नहीं खोला, उनकी खूबसूरत जो नौकरानी थी उसने दरवाजा खोला, उनसे पूछा कहाँ है, कि कौन, कि मेरी बीवी, कि वो तो सुबह ही निकल जाती है मिक्सी लेके। वाह, मिर्ची ले जाने का तजुर्बा बहुत अच्छा है, वाह। मुलाजा फरमाए कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने 3 हैं कहाँ, बोली बेगम जिनके बच्चे थे अपने ले गए। बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। और ये आलमी मुशायरा मैं शुक्रगुजार इज्जत माँ बाली जनाब यूसुफ साहब का एक बार फिर आप लोगों की खिदमत का मौका दिया। मेरे एक और बहुत करम फरमा, जी हाँ, यहाँ पर रईन साहब तशरीफ रखते हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ासतौर से एक और मेरे बहुत मोहतरम उमरा से तशरीफ लाए अपनी फैमिली के साथ, ख़ासतौर से इस डॉक्टर साहब के मुशायरे में जियाउद्दीन साहब, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ डॉक्टर साहब अलाउद्दीन साहब की तरफ से, जियाउद्दीन साहब का। बहरहाल मुलाहिज़ा फरमाए, अभी मेरे बहुत खूबसूरत शायर आलमी मुशायरा जिन्होंने बना दिया है हैदर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, बड़ा इख्तसार से काम लिया, वरना आलमी मुशायरे में हमने जो आलमी मुशायरा पढ़ा तो उसमें एक साहब दुबई से आए हुए थे, शायर थे, पहली बार पढ़ रहे थे या उनको माइक बहुत दिन बाद मिला था, हटाए नहीं हट रहे थे, बहुत देर से वो पढ़ रहे थे, तो बीच में से एक जुमला पास हुआ आप लोगों में से, बड़ा अच्छा लगा, तो उसे 4 मिसरों में किया है मुला जफर। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में, 1 घंटे बाद पंडाल से आई ये सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में।
एक शायर बाहर सा है हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में, एक घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। बहुत खूबसूरत फहरिस्त, बहुत आलमी शोरा आफ्ता तीनों शायर मेरे अजीज, मेरे मोहतरम शकील आजमी साहब, अबरार काशिफ साहब और मेरे बहुत ही करम फरमा अंजुम बाराबंकी साहब तशरीफ रखते हैं उनकी मौजूदगी में। और अक्सर ये होता है कि जब फहरिस्त तवील होती है तो उसमें मकामी शायरों को हिस्सा नहीं मिलता है। ऐसी मुशायरे में एक फहरिस्त बहुत तवील थी और उसमें यह हुआ कि साहब कोई भी मकामी शायर नहीं पढ़ेगा, लेकिन SDM साहब का एक हुक्म हुआ कि साहब मेरा भतीजा है, शायर नहीं था लेकिन वो शायरी किसी की पढ़ने के लिए उसने गज़ल ली किसी की और उसे सारा दिन उसने याद किया और सोचा कि जहाँ भूलूंगा पर्चे पे लिख ली और वो जेब में रख लिया पैंट की कि जहाँ भूलूंगा देख लूंगा। इत्तफाक देखे कि वो जो पैंट उसे चेंज बदल के आया तो खूंटी पर ही रह गई जिसमें पर्चा था और वो आके खड़ा हुआ। नाज़िम मुशायरा ने उसका नाम अनाउंस किया, आया और इस एतमाद के साथ कि शायद मेरी जेब में पर्चा है नहीं था। तो अब देखे साहब क्या कैफियत थी, मैं उस मुशायरे में था। मुलाजा फरमाए, पहला मिसरा उसने बड़ा जोर से उठाया, दूसरा भूल गया तलाश की नहीं। अब देखिए उसकी जहानत और उसकी बर्जस्तगी के, आया और बुला के जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह वाह वाह, क्या इस्तेमाल किया है, वाह 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 वाह। सज्जाद साहब वाकई झंझट भी हैं आप। अभी हाजिर हुआ तो मैं मुंबई में, बहुत खूबसूरत सुबह से था तो बाहर भी निकला घूमा फिरा तो एक बहुत खूबसूरत गाड़ी मैंने देखी जो मैंने नहीं अपने उत्तराखंड में देखी थी। तो उसको मैं देख ही रहा था तो पीछे एक स्लोगन और लिखा था उस गाड़ी पे, सावन को आने दो। अच्छा लगा, लिख लेते हैं लोग। पीछे लिखा था सावन को आने दो। मैं पढ़ ही रहा था तो पीछे से ट्रक आया और उस पर जोरदार टक्कर लग गई। मैंने ट्रक के पीछे देखा, उस पर लिखा था आया सावन झूम के। हम जहां जाए, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और एक और तारुफी कथा आपके सामने पेश कर रहा हूं, मेरे वालिद मोहतरम कमर कहकशानी शायर, मेरे उस्ताद मोहतरम अफजल मंगलौरी साहब, और ये शेर सुने आप, ये कथा सुने कि मैं झंझट हूं विरासत में मिली है शायरी मुझको, मैं झंझट हूं विरासत में मिली है शायरी मुझको, मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। मैं झंझट हूं विरासत में मिली है शायरी मुझको, मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। और जिस फन को चुरा कर दोस्तों अशार कहता हूं, सुना है ये कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। वाह, पूरा सजा गिनाया आपने, वाह। और देखिए साहब मुलाजा करें, हमारे कासिम इमाम साहब जो मेरे बड़े मोहतरम हैं, और अक्सर ये मेरी ख्वाहिश रहती है जब मैं आऊँ बॉम्बे मुशायरे में तो मुलाकात हो, क्योंकि निजामत बहुत अच्छी करते हैं। तो चार मिसरे पेश कर रहा हूँ माजरत के साथ, कि अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, क्या बात, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौरान निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। बहुत अच्छे, वाह। मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौरान निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। और साहब अभी क्या हुआ कि साहब मैं जब हाजिर हुआ तो दिल्ली से मेरी ट्रेन थी, वहाँ एक शायर है मेरे अजीज, बड़े दिल फेंक आदमी, क्योंकि शायर जो होता है बड़ा जिंदा दिल आदमी होता है, और वो दिल फेंक इतने थे कि साहब मुझे पता चला कि उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना है। सोचा ट्रेन बहुत लेट थी तो सोचा कि उनकी मिजाज कुर्सी कर ली जाए। पंत हॉस्पिटल में मैं पहुंचा तो उनका ऑपरेशन बर्थ से स्ट्रेचर पे ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे। मैं इत्तफाक से सही वक्त पे पहुंचा तो उनकी कैफियत दर्द के मारे थी, हाय हाय, ये कैफियत उनकी थी। लेकिन जिंदा दिल आदमी थे, खूबसूरत नर्स जैसे उनके करीब से गुजरी तो उनकी टोन बदल गई।
एकदम उसे देख के बोले हाय हाय हाय। अब ये चार मिसरे सुन ले जिसकी वजह से मैंने छोटी सी बात सुनाई है कि ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी, और बीवी जो है हलाल तो है उस पे चुटकुले, और माशूका हराम मगर उस पर शायरी। ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी, बीवी जो है हलाल तो है उस पे चुटकुले, माशूका हराम मगर उस पर शायरी। और ये भी चार मिसरे देखें कि सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, तीन बार तलाक आखिर किस लिए कहना पड़ा। सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, तीन बार तलाक आखिर किस लिए कहना पड़ा। बात तो एक बार की भी सुनती नहीं है औरतें, तीन बार तलाक झंझट इसलिए कहना पड़ा। बात तो एक बार की भी सुनती नहीं है औरतें, तीन बार तलाक आखिर। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको, मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है, मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है, परेशान क्यों हो मत घबराओ झंझट, शरीयत में इजाजत चार की है। परेशान क्यों हो मत घबराओ झंझट, शरीयत ने इजाजत चार की है। एक साहब अपने बेटे को ले जा रहे थे रिश्ते के लिए, और बड़े लालची किस्म के आदमी थे, और अपने बेटे को समझाते जा रहे थे कि बेटे देखो रिश्ते के लिए ले जा रहा हूँ, जब वहां पहुंचू तो ये ख्याल रखना इस बात का कि अगर वो दहेज में साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना। बच्चा बहुत दिन से परेशान था, शादी नहीं हो पा रही थी, उसे यही समझा रहे थे कि अगर साइकिल दे तो मोटरसाइकिल मांगना, मोटरसाइकिल दे तो कार मांगना, कार दे तो फ्रिज मांगना, फ्रिज दे तो एसी मांगना। लड़का बोला कि अगर वो अपनी बेटी दे तो उनकी माँ मांग लूं। तो ये अक्सर अक्सर परेशानी आती है। अब मुलाहजा फरमाए इसी तरीके से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, एक साहब कहने लगे आप मुशायरों के हवाले से बाहर रहते हैं झंझट, मेरी बेटी का रिश्ता बताइए। तो मैंने उनका कहा कि आजकल इंटरनेट ईमेल से, कह रहे मैंने चप्पल घिसी है। मैंने कहा आपने गलत किया, इंटरनेट ईमेल से बड़ी शादी ब्याह होते हैं, आप उसका साथ। तो यहाँ से चार मिसरा आइडिया हुआ था। तो मुलाहजा फरमाए कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार रहेगा मोबाइल, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। और रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। और ये भी देखें चार मिसरे, एक तजवीन पेश कर रहा हूँ, मुजफ्फर रजवी साहब का एक बहुत मशहूर शेर रहा है कि ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। मुशीर साहब, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बनके मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है, 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और ये देख, अच्छा हुआ 10 बच्चों में मेरे याद आया कि एक महाराज थे, वो गली से गुजर रहे थे भिक्षा मांगने के लिए, और वो एक दरवाजा उन्होंने नॉक किया, तो एक मोहतरमा आई निकल के, उनसे कहा बेटा कुछ भिक्षा कुछ। कहने लगे महाराज मेरे लिए एक दुआ कर दीजिए, मेरे कोई औलाद नहीं हुई, 10 साल शादी को हो गए हैं। कहले सही वक्त में बताया, मैं उत्तराखंड जोशीनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहा हूँ, वहाँ एक मंदिर है आपके नाम का, चिराग जलाऊंगा, और वहां पर यही होता है जिसका चिराग जलता है उसके औलाद हो जाती है। वो गए उनके नाम का चिराग जलाया, इस बात को 10 साल गुजर गए, इत्तफाक से महाराज फिर उस गली से गुजरे और देखा कि देखा मेरे चिराग जलाने का क्या रिएक्शन हुआ, उन्हें याद आया और वो फिर दरवाजा नॉक किया, कोई नहीं खोला, तो उन्होंने थोड़ा सा धक्का दिया तो देखा कि 10 बच्चे खेल रहे हैं अंदर। उन्होंने आवाज दी तो कुछ ने सुना नहीं, तो एक बड़ा सा समझदार बच्चा खेल रहा था, उसे बुलाया बेटे इधर आओ, पापा कहाँ गए आपके, कहले चिराग बुझा दे। वाह, चिराग जलाना और चिराग बुझाना, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। अब मुलाहजा फरमाए इसी उम्मीद के साथ के मेरे मोहतरम यूसुफ साहब की फरमाइश थी, एक कथा सुने और उसके बाद वो सुने कि कल शाम एक हसी से मुलाकात हो गई, कल शाम एक हसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई, झंझट फकत था इतना, हकली थी वो हसीना, लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई।
कल शाम एक हसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। झंझट फकत था, इतना हकली थी वो हसीना, लब थरथरा रहे थे, लब थरथरा रहे थे, मगर बात हो गई। और हकली से मुताल्लिक ये होता है कि साहब हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है और वो अक्सर अपनी बात पूरी नहीं कह पाता। तो हकला जो होता है, मेरे एक दोस्त हैं वसीम साहब, उनका मुझे, मेरे साथ रहते हैं हकला के बोलते, तो उनसे आइडिया मिला और वो आइडिया से मैंने थोड़ा सा आप तक पहुँचाया, अच्छा लगा, पसंद है मुझे भी, आपको भी पसंद आएगा। तो वो वसीम साहब इतने सीधे किस्म के आदमी हैं, किसी से झगड़ा हो जाए तो बोल नहीं पाते हैं। एक चौराहे पर मैंने देखा भीड़ हो रही है, मैं जब पहुंचा इत्तफाक से, तो एक जिन साहब से वसीम साहब का देखा झगड़ा हो रहा है, वसीम साहब एक तरफ खामोश खड़े हुए, मेरे दोस्त कुछ नहीं बोल रहे, और साहब वो जो आदमी जिससे झगड़ा, वो बदस्तूर गाली दिए चला जा रहा है एक के बाद एक। मैंने हौसला अफजाई के लिए दोस्त होने के नाते कहा, वसीम भाई आप भी तो गाली, गाली नहीं दी उन्होंने, फिर भी मैंने, अरे जब मैं खड़ा हूं तो, खैर साहब नहीं दी और एक तरफ को चल दी, और मैं उनके साथ साथ अगले चौराहे पे जाके उनकी आवाज निकली, अगले चौराहे पे आवाज बोले, उल्लू का अट्ठा। मैंने वहां झगड़ा हुआ, गाली यहाँ दे रहा हूं, तो आपको डरने की क्या बात थी जब मैं था, कहले ये बात नहीं है। मैंने फिर शुरू तो वही करी थी, निकली अच्छा, उन्होंने इश्क किया, और इश्क जो किया वो उनसे कौन इश्क कर रहा था, वन साइड इश्क बिल्कुल, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं और इधर से इश्क। तो देखा कि सब कोई भी जवाब नहीं मिल रहा, तो यहाँ से मतलब मुलाहजा फरमाए, मैंने उनसे पूछा मियाँ वसीम साहब कैसे चल रहा है इश्क, तो उन्होंने मतला सुनाया दो शेर। अच्छा, वो इश्क का इजहार करने उनके घर चले गए और घर में उनकी पिटाई हुई। जब देखा कि साहब उनके वालिद साहब ने मारा, उनके भाइयों ने मारा कि क्यों आपने इस तरीके की हरकत की कि यहाँ पर आके हमारी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। तो इस तरीके से साहब मैंने जब देखा उनकी पिटाई हुई, 15 दिन से मायूस थे, मैंने पूछा कैसा चल रहा इश्क वसीम साहब, तो यहाँ से उन्होंने मतला सुनाया कि इजहार आरजू पे मैं पीटा गया अलग, वाह, इजहारे आरजू पे मैं पीटा गया अलग, बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग अलग, वाह। शेर मुलाजा करें, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई भाई अलग। इस शेर में कुछ शायरों की हकीकत और ये मुलाहजा करें के दो, 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 दो पार्ट के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस, वाह वाह, दो, 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 दो पार्ट के मैं बीच में ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है पीस दिया दिल रुबा अलग, वाह।